पूर्व में माननीय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने मुझसे जिलाधिकारी ने कहा, माननीय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का फोन आया था जिलाधिकारी के पास और जिलाधिकारी ने SDM को भेज करके इस सारे निर्माण को ध्वस्त करा दिया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी को हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, संयोग से मेरी पत्नी यहाँ चेयरमैन है नगर पंचायत की, इतने खाली मेरा दोस्त है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ, उसको भी लीगल नोटिस देना चाहिए था, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने भी जानकारी हुई तो मैं भी यहाँ मौके पर आया। ऐसा थोड़ी कानून का राज है और सब एक कस्टोडियन के रूप में बनाए बैठाए गए, चाहे SDM हो और चाहे नगर पंचायत के अध्यक्ष, किसी के जागीर नहीं है। हार का ठीकरा आप पर ही फोड़ना चाह रहे हैं। अब इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन उनकी जो खीज है ये बता रही है कि कुछ उनके मन में कुछ और ही घूम रहा है। अच्छा, क्या इसको लेकर के आप पार्टी में भी कुछ इसकी शिकायत करेंगे? नहीं, बिल्कुल करूंगा, मैं ऊपर ले जाऊंगा, मुख्यमंत्री से भी कल टाइम लूंगा, मैं पूरा प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालूंगा और मैं न्यायपालिका में भी जाऊंगा, क्योंकि ये ठेकेदार का इन्होंने नुकसान किया है, जो धनराशि इस पर खर्च हुआ है, जो नुकसान किया है, मैं मानहानि का दावा भी SDM पर करूंगा, नगर पंचायत की तरफ से करूंगा, मैं जितने भी उचित फोरम हैं सारे फोरमों पर इस मुद्दे को उठाऊंगा, चाहे वो इसमें जिलाधिकारी दोषी हों, चाहे वो उसमें SDM दोषी हों, चाहे वो आपके BSA दोषी हों, सारे लोगों को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आपको कैसे सूचना मिली कि यहाँ JCB लेकर के यहाँ पर प्रशासन पहुँच गया? नहीं, मैं तो ऐसे घूमने आया था, तो ठेकेदार ने फोन किया, ठेकेदार ने कहा कि साहब जो मैं निर्माण काम कर रहा था और उसको SDM साहब आकर के उसको उखाड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई नोटिस वोटिस, कहें कोई नोटिस नहीं दी, वो जबरदस्ती आकर के पुलिस बुला लिया और पुलिस के सामने इसको उखाड़ के फेंक रहे हैं सब। तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ, तो मेरी SDM से भी बात हुई। आपके द्वारा बनामा की गई जमीन है? बनामा नहीं है, ये नगर पंचायत की जमीन है, ये नगर पंचायत अपने संस्था के हित के लिए इसकी दुकान निर्माण करा रहा था कि कम से कम यहाँ अतिक्रमण था, तमाम गंदगी थी, 4-6 दुकानें बन जाएंगी, गणेशपुर के कुछ 4-6 लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, दुकान करेंगे, नगर पंचायत की आमदनी बढ़ जाएगी। मैं तो ये सोच करके यहाँ दुकान बनवा रहा था, मैं क्या जानता था कि इस अतिक्रमण में भी लोगों का कुछ खुन्नस छिपा हुआ है। पूर्व सांसद के कहने पे ये सारी चीजें हुई। हाँ, सारी चीजें, मेरा सीधा आरोप है, श्री हरीश द्विवेदी पूर्व सांसद बस्ती सदर ने टेलीफोन करके इसका ध्वस्त कराया निर्माण और इसकी दुकान रुकवाया है, सारा काम उन्होंने किया है, जो ये राजनीति जो इस भावना से वो कर रहे हैं, अब चुनाव हार गए हैं, उसकी फीस मेरे ऊपर बिताना चाहते हैं।